कजरिया शाम की जय। विधानसभा क्षेत्र के बनास नदी में बद्री माफियाओं द्वारा बनास नदी के किनारे स्थित चारागढ़ शमशान घाट व किसानों के खेती से चोरी छिपी बजरी का धड़ल्ले से अवैध खनन व दोहन होकर रहे हैं और जिस कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। महोदय जी, महोदय, मेरे क्षेत्र की जनता के रक्षा में भलाई ही मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए जांच व सर्वे करवा कर जहां पर अवैध खनन हो रहा है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कराया जावे। जो अवैध खनन कर रहे हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई कराई जावे, क्योंकि महोदय अवैध खनन की वजह से जान माल को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे, राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। महोदय, अवैध खनन करने वाले आए दिन ग्रामीणों से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। भू माफियाओं व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। महोदय, बद्री माफियाओं ने बनास नदी में गहरे खड्डे कर दिए हैं, जिनमें आए दिन बड़ी संख्या में पशु गिरकर मर रहे हैं। यहाँ तक बद्री माफियाओं ने शमशान भूमि पर भी अतिक्रमण कर अवैध बद्री भंडारण कर रखा है। अवैध खनन बद्री माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, ताकि क्षेत्र की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अध्यक्ष महोदय, हमीरगढ़ एरिया में हमारे बनास नदी के अंदर डेली के 1000 के आसपास बद्री जो डंपर ट्रक ले चल रहे हैं। मैं भी बहुत बार एसओ साहब को बोला था कि भाई हमारे इधर डेली का नुकसान कर रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं बद्री का जो हमारे सारा विधानसभा तोड़ के बाहर जगह सब जगह ये लिस्ट सप्लाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बद्री हमारे खेतों के जो गाँव में जो किसान भाई जो अपने घर बनाते हैं, जो भी बनाने का काम रहेगा, जो बिल्डिंग बनाने का काम रहेगा, उनके लिए तो सही है। हमारे विधानसभा छोड़कर जो बाहर देने के हजारों के पेट्रोल जा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए नुकसान हुआ है। और मैं विधायक बनने के बाद बहुत बार बोल चुका, तो भी जो आप नहीं सुन रहे हैं, मैं इनको बोला बंद कर लो, हमारी विधानसभा क्षेत्र में बनने के लिए चलेगा, दूसरे के लिए नहीं चलेगा। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, गो माता की जय। राम स्वरूप लांबा।